मुल्क में महंगाई का जिन ताहाल बेकाबू, एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.37% इजाफा। महंगाई की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह 42% तक पहुँच गई। 20 किलो आटे का थैला 70 रुपये तक महंगा हुआ। 5 लीटर ब्रांडेड कुकिंग ऑयल की कीमत में 136.30 रुपये इजाफा। चीनी फी किलो 5.35 रुपये महंगी। टूटा चावल की कीमत में 2.22 रुपये इजाफा। IMF की एक और शर्त पूरी, हुकूमत ने बिजली सार्फीन पर 76 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया। बिजली सार्फीन पर 3.39 रुपए फी यूनिट का सरचार्ज आयद। इजाफी रकम मार्च में जून 2023 के दौरान वसूल होगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फीन पर भी होगा। बरामदी शोबों और किसानों पर भी बिजली बॉम्ब मार दिया। 65 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म कर दी। बरामदी शोबे के लिए बिजली 12.13 रुपए फी यूनिट और किसानों के लिए बिजली 3.60 रुपए फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए हालात साजगार नहीं। इदारों ने इंतखाबात कराने की मुखालफत कर दी। अमन अमान से मुतालिक खतरात से आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इजलास में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इलेक्शन कमीशन आइंदा हफ्ते ब्रीफिंग की रोशनी में इंतखाबात से मुतालिक फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में आम इंतखाबात के लिए 297 ROs मुकर्रर कर दिए। 36 DROs, 594 AROs भी तैनात। हमने इसको पूरी तरह केस लड़ेंगे। ये मोहसिन नकवी जो प्लांट किया हुआ, इसके ऊपर हम केसेस करेंगे। CCPO बनाया हुआ उस पर करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जो चीजें आई हैं, वो स्पेशल चाइल्ड है। पूरा प्लान बना हुआ था कि उस दिन उन्होंने और लाशें गिरानी थी। जिले शाह का केस 302, मेरे ऊपर कत्ल का केस डाल दिया कि मैंने उसको कत्ल किया। मेरे ऊपर अब 80 तकरीबन केस हो गए। बदतरीन मार्शल लॉ से ज्यादा सख्ती हो रही है। ये 8 मार्च को लाशें गिराना चाहते थे। मुझ पर 80 मुकदमात बना दिए। उनका मुझे गिरफ्तार करके बलोचिस्तान ले जाने का मंसूबा है। चेयरमैन PGI इमरान खान का इंकशाफ। कहा, जिले शाह का कत्ल भी मुझ पर डाल दिया गया। अली बिलाल के कत्ल का केस लड़ेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब और CCPO पर मुकदमात दर्ज करवाएंगे। सवाल उठाया, कौन इतना ताकतवर है कि मेरी तकरीर लाइव दिखाने से रोक रहा है। ये खौफ फैलाकर इलेक्शन से निकालना चाहते हैं। मरियम नवाज आवाम के पैसों से इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। ये वक्त है हम सब उनके खिलाफ उठ खड़े हों। अरशद शरीफ का क्या कसूर था, कौम जानती है कि वो हक पर था। सरकार को मुस्तरद कर चुके हैं। रात तो उनकी अपनी सफों में हमें दरारें दिखाई दे रही हैं। मुस्लिम लीग नून आज पीपल्स पार्टी को शक की निगाह से देख रही है। हुकूमत सियासी और मौशी मैदान में नाकाम हो चुकी है। हुकूमत की अपनी सफ़ों में दरार पड़ गई। शाह महमूद कुरैशी का कहना है, इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। नून लीग आज पीपल्स पार्टी को शक की निगाह से देख रही है। पीपल्स पार्टी PDM से फरार का संजीदगी से सोच रही है। PGI कारकुन अली बिलाल की हलाकत के मामले में अहम पेशरफ्त। अली बिलाल को अस्पताल लाने वाले दोनों अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फुटेज में नजर आने वाली गाड़ी भी पुलिस ने ट्रेस करके तहवील में ले ली। जिले शाह को 6:51 पर हॉस्पिटल लाया गया। काले रंग की गाड़ी में कुछ अफराद जिले शाह को अस्पताल लेकर आए। मुलजमान गाड़ी से उतर कर ईडी एहलकारों से बातचीत करते रहे, जिसके बाद भाग दौड़ शुरू हो जाती है। प्यार से वो बात करता था, सबके साथ वो मिलता जुलता था। उस बच्चे के ऊपर इतना जुल्म और तशद्दुद हुआ। जब मैंने ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी तो मेरा दिल दहल गया कि ये जिन लोगों ने ये जुल्म किया, क्या इनके घर बाल बच्चा नहीं, औलाद नहीं है। 26 तशद्दुद के निशानात थे उसके जिस्म के ऊपर। अली बिलाल पर बदतरीन जुल्म किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद बिलाल का तस्करा करते हुए आपदीदा। कहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक अली बिलाल के जिस्म पर तशद्दुद के 26 निशानात थे। वो बदतरीन तशद्दुद के बायस अल्लाह को प्यारा हो गया। तशद्दुद करके अली बिलाल के मुख्तलिफ आज़ा को नुकसान पहुँचाया। बॉल न्यूज़ के कोच चेयरमैन शेफ शेख का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। इस्लामाबाद की जुडिशल अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने FIA
से कहा कि कस्टडी आपको दे रहे हैं, कस्टडी में कुछ हुआ तो जुम्मेदार भी आप ही होंगे। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म। एफआईए ने शुएब शेख के खिलाफ गैर कानूनी एफआईआर दर्ज की, कानूनी माहिरीन की राय। सिंध हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म, बोल न्यूज के कोचेयरमैन शुएब शेख को बरी कर दिया। जस्टिस उमर सयाल ने फैसला सुनाया। तहरीरी हुक्म में कहा शुएब शेख को किसी भी जुर्म में सजा का कोई इम्कान नहीं। माहिर कानून अनवर मंसूर कहते हैं एक केस में दो एफआईआर नहीं हो सकती। अब रिहाई लाजमी है। शुएब शेख की गिरफ्तारी दुश्मनी ज्यादा, कानूनी कार्रवाई कम। अल्लाह के सहारे चलते आए भाई, आगे भी अल्लाह के सहारे चले। अल्लाह के सहारे चलते आए भाई, आगे भी अल्लाह के सहारे चले। अल्लाह के सहारे चलते आए हैं और आगे भी अल्लाह के सहारे ही चलते रहेंगे। बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख की पेशी के मौके पर बातचीत, कहा हक और सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। मैं ये कहूँगी कि जो इस चीजों के जिम्मेदार हैं उनको पकड़े। मेरे बेटा तो बेगुनाह बेकसूर है, उसको क्यों इस तरह पकड़ा गया? कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिल्कुल इनोसेंट है मेरा बेटा। हकी जो है वो फतह है, तो मेरा हक पर है बेटा। इंशाल्लाह मेरे बेटे की फतह होगी और बाइज्जत तरीके से घर में आ जाए। मेरा बेटा बेगुनाह बेकसूर है, कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, मेरा बेटा सर नहीं झुकाएगा। कोच चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी पर वालिदा का खुसूसी पैगाम, कहा अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार एफआईए होगी। तमाम लोग मेरे बेटे के साथ हैं, इनकी फतह होगी। उसका क्या कसूर, बोल का क्या कसूर है? कसूर ये है कि वो हमें कवरेज देता है और मैं इसको आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसने मुझे बताया कितने केसेस इसके ऊपर कर रहे हैं, कितना प्रेशर डाल रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान की कवरेज खत्म कर और उसको कल पकड़ के जेल में डाल। शुएब शेख की गिरफ्तारी, सियासी रहनुमाओं की मुज़म्मत। इमरान खान ने कहा कि हर दबाव के बावजूद शुएब शेख हकीकी सहाफत के साथ खड़े रहे। बोल और शुएब शेख के साथ खड़े हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगा रही है। बाबर अवान का कहना है कि एक ही मुकदमे में दो बार ट्रायल नहीं हो सकता। शेख रशीद ने कहा कि बदमाशों ने शुएब शेख को गिरफ्तार कर लिया। शुएब शेख के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, मैं समझता हूँ ये शुएब शेख के साथ जुल्म नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के साथ जुल्म है। बोल को इसलिए निशाना बनाया जाता है कि वो हक सच को दिखाता है। जितनी सहाफी बरादरी है उसको हम कहते हैं कि बोल का साथ दो, ये पाकिस्तान की जंग है। जो बोल जंग लड़ रहा है वो पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है। बोल जिंदाबाद। बोल की कोच चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी, कराची से खैबर तक शदीद गम गुस्सा। मुतादिद शहरों में अवाम सड़कों पर आ गए। जमान पाक के बाहर बोल के हक में एहतजाज, बोल को बोलने दो के नारे। सहाफती तनजीमों की भी कड़ी मजम्मत, फौरी रिहाई का मुतालबा। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स का भी शुएब शेख और बोल से भरपूर इजहार यकजहती। बैरून मुल्क भी गिरफ्तारी पर मुजाहरे, रिलीज शुएब शेख ट्विटर पर ट्रेंड बन गया। बोल टीवी के खिलाफ पुरइसरार सरगर्मियों का सिलसिला जारी। कराची में सुबह सवेरे बोल की डीएसएनजी को आग लगाने की कोशिश। गाड़ी बोल हेडक्वार्टर के बाहर खड़ी थी। फुटेज में वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि शरपसंद अनासिर किस तरह डीएसएनजी के पास आए और आग लगाने की कोशिश की। बोल हेडक्वार्टर के सिक्योरिटी गार्ड ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए शरपसंद अनासिर का पीछा किया, लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गए। बोल आज़ादी सहाफत का अलमबरदार, बोल 22 करोड़ अवाम की आवाज़। अगर आप बोल के साथ हैं तो ट्विटर पर ट्रेंड में शामिल हों। आई स्टैंड विद बोल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी आरा शेयर करें।
मरियम नवाज अपनी रविश पर बरकरार, मौजूदा हुकूमत की नाकामियों का सारा मलबा इमरान खान पर डाल दिया। बोली, इमरान खान के IMF से मुआहदे ने मुल्क को मुआशी बहरान में धकेला। फैसलाबाद में कन्वेंशन से खिताब में कहा कि जब तक मुकदमात चलते रहेंगे इसका पलस्तर नहीं उतरेगा। शहबाज शरीफ पंजाब के आवाम को मुफ्त आटा मुहैया करेंगे। हम घर से आए हैं, ठीक है, किराया वगैरह लगा के तो यहाँ आके देखते हैं तो मरियम नवाज की वजह से बंद है। अब मरियम नवाज की वजह से क्या क्या बंद होगा। फैमिली पार्क को बंद कर दिया गया, हालांकि मेला लगा हुआ था यहाँ पे, तो अचानक बंद कर दिया गया और सबको यही कहा जा रहा है कि मरियम नवाज के आप जलसे में जाएं। मरियम नवाज का जलसा है, इस वजह से उन्होंने पार्क बंद किया है। हम फैमिलियों के साथ आए हैं तो कहते उधर को जाओ आप लोग, हम तो इंजॉय करने आए थे। फैसलाबाद इंतजामिया के मरियम नवाज शरीफ को खुश करने की कोशिश आवाम को महंगी पड़ गई। शहर का सबसे बड़ा तफरी पार्क बागे जना को फैमिलीज के लिए अचानक बंद कर दिया। शहरी पार्क में जश्न बहारा देखने पहुंचे तो पार्क के दरवाजे बंद मिले। कहना था दूर दराज इलाकों से भारी किराए भरकर पार्क पहुंचे। पिशावर में 22 मार्च को रोयते हलाल कमेटी का इजलास, पुरतकल्लुफ खानों के मेन्यूज के लिए टेंडर्स जारी। खास मेहमानों के लिए बीफ पुलाव, चिकन टिक्का और दीगर शामिल। आम मेहमानों के लिए बीफ चावल, चिकन कड़ी, मिक्स सब्जी और दीगर खाने। फवाद चौधरी ने तनकीदी ट्वीट दाग दिया। कराची में लियाकत आबाद फर्नीचर मार्केट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। आग पुराने फर्नीचर की दुकान में लगी, जिससे देखते ही देखते दीगर दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। दुकानदारों का कहना है कि 45 दुकानें मुतासर हुई, लकड़ी का सामान जलकर खाक हो गया। दूरियां कुर्बतों में बदलने लगी। मशरक़ वस्ती की सियासत में बड़ी पेशरफ्त, चीन की सालसी काम कर गई। ईरान और सऊदी अरब ताल्लुकात बहाल करने पर अजमन, 2 माह के अंदर ताल्लुकात की बहाली और बंद सिफारत खाने दोबारा खोलने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के मुश्तरक ऐलामिया जारी। सुल्तान्स का कमाल, जल में फिर नाकाम। पाकिस्तान सुपर लीग 27वां मुकाबला, मुल्तान सुल्तान्स ने पिशावर जलमी को 4 विकेट से हरा दिया। 243 रन का हदफ रिजवान 11 ने रायली रूसो की सेंचुरी की बदौलत अब आसानी हासिल कर लिया। आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स अपने अहम तरीन मुकाबले में मुल्तान सुल्तान से टकराएगी। रोजाना देखिए बोल न्यूज पर खसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून रात 11 बजे। और खुशबुओं के शहर में पाकिस्तानी अदाकारा के जलवे, मोमल शेख की पेरिस में सैर तफरी की तस्वीर और वीडियो वायरल। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता कि ये है आजादी राय, आजादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुसन है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती, ये जो डाकू मुसलत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और PTI की कवरेज ना। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चाल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादातर नहीं है, मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।